नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा नगर का जीवनदायिनी डैम कन्हार गांव के गहरीकरण के लिए राष्ट्रवादी संघ ने आवाज उठाई है। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते जन सहयोग से डैम के गहरीकरण की योजना बनाई जाए और बारिश से पहले कार्य को पूरा किया जाए। राष्ट्रवादी संघ के संयोजक संदीप सिंह चौहान ने बताया कि हालांकि पिछले सीजन में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण कन्हर गांव डैम नहीं भर पाया था, जिस कारण पानी की समस्या हो गई। यदि माचागुरा डैम नहीं होता तो छिंदवाड़ा नगर में पानी के लिए त्राही मच जाती। 34 सालों बाद यह ऐसा अवसर आया है जब डैम पूरी तरह खाली है। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय और नगर निगम पेंशनर महोदय को कन्हर गांव डैम के गहरीकरण के लिए आवेदन दिया। कन्हर गांव इस बार पूरी तरह सूख गया है। ये एक अवसर है कि कन्हर गांव का गहरीकरण किया जा सकता है। बरसात के पहले कन्हर गांव के गहरीकरण की योजना बनाई जाए, जन भागीदारी से, जन सहयोग से कन्हर गांव का गहरीकरण किया जाए तो आगामी समय में छिंदवाड़ा नगर और आसपास का क्षेत्र पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की समस्या से नहीं जूझेगा। पांडुर्ना के गढ़खापा एमपीबी कॉलोनी स्थित माता सिद्धिदात्री मंदिर की वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर माता के भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सुबह माता की प्रतिमा के साथ ही भगवान शिव और दादाजी महाराज की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रतिभाओं का अभिषेक भी किया गया। बिछुआ विकासखंड मुख्यालय से 13 किलोमीटर जंगल में बसी ग्राम पंचायत आमाकुई के वन ग्राम टेकापार के ग्रामवासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि ग्राम में एकमात्र हैंडपंप है, जिसमें दिन भर में सिर्फ आधा गुंडी ही पानी आता है और वहीं पास स्थित कुएं में सिर्फ दूषित पानी आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।